इटावा से, जहां पर तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, इस हादसे में 10 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। तो डीसीएम पलटने से ये बड़ा हादसा हुआ है। भीषण सड़क हादसे में ये तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। बस में करीब 60 लोग सवार थे, जिनमें से 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। डीसीएम के पलटने से 10 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, वहीं 40 से 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को धीरे धीरे अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और कई लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल है। और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। एम्बुलेंस के जरिए, ऑटो के जरिए लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, जहां पर उनका इलाज जारी है। कई लोग गंभीर रूप से भी घायल है, जिन्हें आगे रेफर कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, जहां पर एक एक करके सभी घायलों को अस्पताल लाया जा रहा है। डीसीएम पलटने से बड़ा हादसा हुआ है। श्रद्धालु जो हैं इटावा से, आगरा से इटावा जा रहे थे, और इसी बीच डीसीएम पलटने से ये बड़ा हादसा, जिनमें 10 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो बड़ी जानकारी ये बता रहे और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां पर एक एक करके सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। एम्बुलेंस के जरिए, ऑटो के जरिए जो श्रद्धालु हैं, जो घायल हैं, उन सभी को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है उपचार के लिए। और ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि घायलों का इलाज जारी है। घायलों में बच्चे, महिलाएं और पुरुष भी शामिल हैं। आपको बता दें, इटावा से, आगरा से इटावा दर्शन के लिए पहुंच रहे थे, जहां पर बीच में डीसीएम के पलटने से ये बड़ा हादसा हुआ है। 10 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। ये भीषण सड़क हादसा है, जिसमें 10 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। करीब बस में 60 लोग सवार थे, और इनमें से 40 से 45 लोग घायल बताए जा रहे हैं, और सभी घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है, जहां पर ऑटो के जरिए, एम्बुलेंस के जरिए एक एक करके सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, जहां पर उनका इलाज जारी है। तो ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं बड़े हादसे की, जहां पर डीसीएम पलटने से बड़ा सड़क हादसा हुआ है, भीषण सड़क हादसा है, और 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल सभी अधिकारी जो हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, अधिकारी और प्रशासन की तरफ से कई अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, घायलों से बातचीत जारी है। इसके साथ ही रेस्क्यू जो है वो जारी है, लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। 40 से 45 लोग करीब घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से गंभीर रूप से कई लोग घायल हैं, जिनकी स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। तो इटावा में ये भीषण सड़क हादसा है, हादसे की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर इलाज के लिए सभी घायलों को पहुंचाया जा रहा है। तो अचानक से बस जो है वो खाई में गिरने से ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। आगरा से इटावा दर्शन के लिए श्रद्धालु जा रहे थे, और बस में करीब 60 लोग सवार थे। भीषण सड़क हादसे में 10 लोग जो हैं उनकी मौत हो गई है, वहीं 40 से 45 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहाँ पर एक एक करके जो घायल है उन्हें अस्पताल लाया जा रहा है। एम्बुलेंस के जरिए, ऑटो के जरिए एक एक करके सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है, जहां पर उनका उपचार जारी है। घायलों में कई लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनकी स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है, उनका भी इलाज जारी है। तो आगरा के पिनाहट से इटावा जा रहे थे श्रद्धालु। क्या कैसे क्या हुआ है? जो है पिनाहट से चले थे, झंडा लेके कालका देवी पर लखना जा रहे थे, और टैंक टेंटर से भर के जा रहे थे, कम से कम 100 सवारी था। और इसके बाद ये रास्ते में जो है हादसा हुआ। एयरटे स्टॉप पे नहीं पहुंचा हूँ, मैं यहीं से जो है देख रहा हूँ। तो यहाँ ड्राइवर अभी बता रहे थे, हाँ, कम से कम जो है 20-25 लोग आ चुके, 2-3 गाड़ियाँ आ चुकी हैं, बता रहे हैं आधा दर्जन लोगों से ज्यादा की मौत। हाँ, बिल्कुल हो सकता। डीसीएम पलटने से श्रद्धालुओं की मौत हुई है। डीसीएम पलटने से 10 श्रद्धालुओं की मौत हुई। आगरा के पिनाहट से इटावा जा रहे थे श्रद्धालु, और भीषण इटावा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो डीसीएम में बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे। पुलिस मौके से राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर लगातार घायलों को इलाज के लिए लाया जा रहा है। एम्बुलेंस के जरिए, ऑटो रिक्शा के जरिए लोगों को एक एक करके अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है, जहां पर कई लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। तो डीसीएम पलटने से 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, वहीं कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। तो श्रद्धालुओं में बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल। वही इस मामले में इटावा के एसएसपी का क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनाते हैं। देखिए, जो मौके पे दिखा है, ये डीसीएम गाड़ी में काफी लोग, काफी संख्या थी, जो कि पिनाहट और बाह से रिलेशन में सब आपस में थे, वो डीसीएम के माध्यम से लखना पे झंडा चढ़ाने जा रहे थे। उनके यहाँ कोई उत्सव था, उस संबंध में झंडा चढ़ाने जा रहे थे। ये जब गए हैं तो उदी से आगे चकर नगर रोड पर एक मोड़ आया है, जहां ट्रक डिसबैलेंस हुई है
और बगल में 30 से 35 फीट गहरा खाई टाइप का है, उसमें ये चक गिरी है। सभी लोग जगह जगह छिटक के गिरे हैं। कुछ लोग ट्रक के नीचे थे, डीसीएम के नीचे थे, सभी लोगों को निकलवा लिया गया, यहाँ इलाज के लिए भेजा गया एम्बुलेंस के माध्यम से, जहाँ पर अब तक जितने अब तो सारे लोग आ गए हैं, अब तक 10 लोगों की इसमें डेथ हो चुकी है। वही ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़े हुए। अमित, पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है, एसएसपी का भी इस पर बयान आया हादसे को लेकर, फिलहाल क्या कुछ जानकारी अपडेट है? जी बिल्कुल श्रावणी, जहां एक तरफ बात की जाए, इस हादसे के बाद तुरंत किले के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू कराया, और सबसे बड़ी देखने की बात मिली कि आसपास के क्षेत्र के सभी लोगों ने मिलकर सबसे पहले जो लोग घायल हैं, श्रद्धालु जो खड्ड में जाके गिर गए थे, उनको सबसे पहले रेस्क्यू किया गया और जिला अस्पताल में लाकर उनका उपचार कराया जा रहा है। जो गंभीर घायल हैं उनको बड़े अस्पतालों के रेफर करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि अभी एसएसपी इटावा डॉक्टर ब्रजेश सिंह ने भी बताया कि जिस तरह से कि सारे लोगों को जो स्पॉट पर खत्म हो गए या जिला अस्पताल तक लाते लाते खत्म हुए हैं, वो करीब 10 लोग हैं और बाकी लोगों का रेस्क्यू करने के बाद लगातार उपचार किया जा रहा है और जो सीरियस हालत में है उनको आगे बड़े पीजीआई या फिर आगरा रेफर करने की तैयारी की जा रही है। जी बिल्कुल अमित, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।